100 साल बाद होली पर बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशि वालों की होगी चांदी ही चांदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस साल 25 मार्च 2024 को होली और साल का पहला चंद्र ग्रहण एक ही दिन है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इस दिन चंद्रमा और केतु दोनों ही कन्या राशि में रहेंगे। चंद्र ग्रहण का व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत खास है, जो कुछ राशियों के लिए लकी साबित होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। देश भर में होली की धूम देखने को मिलती है। इस साल होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। होली के दिन कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। इसी के साथ ही मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति से भी शुभ योग बन रहे हैं। शुक्र के अपनी उच्च राशि में होने से मालवीय योग और गुरु के अपनी स्वराशि पर होने से हंस राजयोग बन रहा है। इस चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों के जातकों पर दिखाई देगा। इस दौरान कुछ राशियों को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं मार्च के महीने में लगने वाले चंद्र ग्रहण का महत्व और किन राशियों को नौकरी व्यापार में होगा लाभ। नंबर एक, मेष राशि। होली पर साल 2024 का लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है। इस दौरान आपका लंबे समय से रुका कार्य पूरा होगा। मेष राशि वालों को करियर में सफलता प्राप्त होगी। कारोबार के लिए भी यह समय काफी लाभप्रद रहेगा। व्यवसाय में अच्छा लाभ होता नजर आएगा। व्यापार या नौकरी में लाभ के लिए जिन योजनाओं पर काम कर रहे हैं उन्हें गति मिलेगी, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। पुराने निवेश से फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। फिजूल खर्चों पर लगाम लगाने में कामयाब होंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। बृहस्पति मीन में है, लेकिन इसी साल मेष में गोचर करेंगे। ऐसे में अभी से ही मेष राशि वालों के सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में उन्नति भी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं राशि चक्र की अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि, और जानते हैं कि इस राशि को चंद्र ग्रहण का कितना लाभ होगा। नंबर दो, वृषभ राशि। त्रिग्रही योग के बनने से वृषभ राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यह योग आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव पर बन रहा है। 11वें भाव को कर्म का स्थान माना गया है, इसलिए इस समय आपको काम कारोबार से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही आपकी कारोबार से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। वहीं इस समय नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही जूनियर और सीनियर का साथ मिल सकता है। वहीं इस समय आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का शुभ असर पड़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी सफल होगी। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। करियर में उन्नति का मौका मिलेगा। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो ये तो थी वृषभ राशि के बारे में जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो की है मिथुन राशि। नंबर तीन, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह योग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही आप नया वाहन और संपत्ति खरीद सकते हैं। वहीं आपके जो रुके हुए कार्य थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस ग्रह परिवर्तन से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं आपके परिवार में सुख शांति स्थापित होगी और आपकी धन के निवेश से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। साथ ही आप कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस अवधि में आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के बारे में जानने के बाद चलिए बढ़ते हैं राशि चक्र की अगली राशि की तरफ, जो कि है कर्क राशि, और जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव इस राशि पर होगा। नंबर 4, कर्क राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रह बहुत लाभकारी रहेगा। ये वर्ष आपके लिए ही उत्तम बहु रहेगा। इस वर्ष आपको कई बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जा सकता है। आपके कई अधूरे काम इस वर्ष पूरे हो सकते हैं। वर्ष 2024 की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। कुल मिलाकर ये त्रिग्रही योग शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो चलिए बढ़ते हैं राशि चक्र की अगली राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। नंबर 5, सिंह राशि। इस ग्रह परिवर्तन से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी। संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। व्यापार के लिए ये गोचर शुभ है। सिंह राशि के बारे में जानने के बाद अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है कन्या राशि, और जानते हैं कि कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा होगा या बुरा। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि के लग्न भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, ऐसे में इसमें राशि के जातकों को संभल कर रहने की जरूरत है। सेहत को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही धन धान्य की कमी देखने को मिल सकती है। किसी न किसी तरह से काम में रुकावटें आ सकती है। इसके साथ ही भौतिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। किसी कारणवश थोड़ी सी यात्राएं करनी पड़ सकती है। बेकार की उलझनों में फंस सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है तुला राशि। नंबर 7, तुला राशि। साल का पहला चंद्र ग्रहण तुला राशि वालों के लिए लाभकारी होगा। गाड़ी या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वो प्लान जल्द पूरा होगा। शनि के प्रभाव से करियर में प्रमोशन की संभावना रहेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय लाभकारी साबित होगा। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस माह आपके रुके काम बन सकते हैं। कारोबारियों को भी विशेष लाभ होने की संभावना है। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। तुला राशि के बारे में जानने के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, वृश्चिक राशि। आपके लिए ये चंद्र ग्रह लाभकारी सिद्ध होगा। वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल रहने वाला है। वर्ष के शुरुआती दौर में सूर्य मंगल की युति दूसरे भाव में, बुध और शुक्र की स्थिति स्वराशि में, छठे सातवें भाव में गुरु की स्थिति पंचम में, राहु एकादशी में केतु की स्थिति आपको इस वर्ष सफलता दिलाने वाली रहेगी। इस वर्ष आपको कई अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको सितंबर के महीने में अचानक धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जाने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं राशि चक्र की अगली राशि की तरफ, जो कि है धनु राशि। नंबर 9, धनु राशि। आपके लिए ये ग्रह परिवर्तन कार्यस्थल पर प्रमोशन के साथ ही नई जिम्मेदारी लेकर आएगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में कुछ नया कर पाने में सक्षम होंगे। हालांकि ध्यान रखना होगा। धनु राशि के जातकों के बारे में बस इतना ही। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मकर राशि। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह सूर्य शुक्र और शनि की युति आपकी राशि से धन और वाणी भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की होने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं आपको वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। वहीं जिन लोगों का काम कारोबार, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कला और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनको ये समय लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं राशि चक्र की अगली राशि की तरफ, जो कि है कुंभ राशि। नंबर 11, कुंभ राशि। आपकी राशि में ग्रहों के परिवर्तन से आपकी राशि में बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा और मान सम्मान में बढ़ोतरी भी करेगा। आप लोगों के लिए शनि,
शुक्र और सूर्य देव का संयोग लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं इस दौरान आपको करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस का आरंभ करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा समय है। आपके धन में इजाफा होगा। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए ये समय शानदार साबित हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के बारे में जानने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि की तरफ और जानते हैं कि इस राशि को चंद्र ग्रहण का कितना शुभ फल प्राप्त होगा। नंबर 12 मीन राशि। फिलहाल गुरु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। त्रिग्रही योग से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।